सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए एंजल रसोई। और अब मैं आपको बताऊंगी प्लाजो की कटिंग किस तरह से करनी है। प्लाजो की कटिंग करने के लिए मैंने ये कपड़ा 4 फोल्ड कर दिया है। ये 2 मीटर का कपड़ा है, इसके ऊपर मैंने सिला हुआ प्लाजो रखा है। आप चाहे तो मेजरमेंट से कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस प्लाजो को नाप के भी कर सकते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा लिया इसका, इसका लेना है 17। आप ढीला करना चाहे तो 18 भी ले सकते हैं। और इसकी लेंथ कितनी रखनी है उस हिसाब से 2 इंच ऊपर छोड़ के लेंथ को इस तरह से क्रॉस करना है। और नीचे से इस तरह से हमारी मोरी कितनी रखनी है उस हिसाब से मोरी का नाप लेना है। और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप लेना, ज़्यादा राउंड नहीं लेना है नहीं तो खिंचाव आ जाता है। और यहाँ पे हम डबल लाइन करेंगे। आगे वाला हिस्सा हमें 2 इंच कम करना है और पीछे वाला 2 इंच ज़्यादा रखना है। तो हम पहले ज़्यादा वाला हिस्सा कट कर लेते हैं, फिर इसको फिर से वापस कम वाले हिस्से को काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये डबल क्रॉस कर दिया है। अब इसको हटा के हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कटिंग की इसकी। और अब एक भाग को हटा देना है और जो आगे वाली साइड है उस साइड से हम कट कर लेते हैं। और जो एक भाग है उसको हम कम कर लेते हैं। इस तरह से आगे वाला 2 इंच कम करना है। देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है और मेजरमेंट की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो देखिए इस तरह से हमने ये प्लाजो कटिंग कर लिया। हमारी सिलाई भी बहुत ही आसान तरीके से है। आगे वाला हिस्सा हम कम वाला लेंगे और पीछे वाला ज़्यादा लेना है। इस तरह से ये देखिए हमारा आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा इतना डिफरेंट है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।